ए मेरे लोगों, तुम उठो और ढा दो उन सारी दीवारों को जो रोके हुए हैं, ताजे हवाओं को, ताजे पानी को, ताजे विचारों को, और ढा दो उन सारी दीवारों को जो तुम्हें रोके हुए हैं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने से, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ने से। ढा दो उन सारी दीवारों को। और सुनो, जिस दिन तुम जान जाओगे कि ईंट ईंट ही होती है और पत्थर पत्थर ही होता है, तो उस दिन तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं एस के आनंद। आज मैं एक वीडियो देखा और उस जब वीडियो को मैंने देखा तो मेरे अंदर का जो आग था वो ऑटोमेटिक बाहर आने लगा। ये आग क्या है? मैं बात कर रहा हूं हाको रथ हम पान की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हाको रथ हम पान है एक आंदोलन की। मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में मैंने क्या देखा और क्यों इस वीडियो को बनाने पर मजबूर हुआ, मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि हाको रथ हम पान क्या है। हाको रथ हम पान एक पान आंदोलन नहीं है, बल्कि यह एक क्रांति है। यह आंदोलन, यह क्रांति उस क्रांति के जैसा है जो एक मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति को लाकर अंग्रेजों को हिला दिया था। हाको रथ हम पान, हम एक पान आंदोलन उस क्रांति का नाम है जिसमें कभी अंग्रेजों ने हम भारतीयों के लिए नमक के लिए तरसाया और गांधी जी ने चल पड़े दांडी मार्च करने के लिए और उसके पीछे कारवा चल पड़ा। दांडी मार्च आंदोलन की तरह है, क्रांति की तरह है, जिसने अंग्रेजों को हिला करके रख दिया था। जी, मैं बात कर रहा हूं हाको रथ हम पान है पान एक पान आंदोलन की। हाको रथ हम पान उस क्रांति की तरह है, उस आंदोलन की तरह है जब एक जेपी आंदोलन देश में सैकड़ों नेता, हजारों नेता को जन्म दे दिया। हाको रथ पान उस क्रांति की तरह है जिसने दिल्ली जैसे प्रदेशों में वर्षों से राज कर रही पार्टियों को जड़ों से उखाड़ने के लिए अन्ना आंदोलन की तरह है। हाको रथ हम पान उस आंदोलन की तरह है जिसने देश में कई क्रांतियां ला दिया। हाको रथ हम पान है एक पान आंदोलन का प्रेरणा स्रोत इंजीनियर आईपी गुप्ता के आज मैं बात कर रहा हूं। और जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं बात कर रहा हूं हाको रथ हम पान की और मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप भी अपनी सोए हुए जमीर को जगाइए, अपनी सोई हुई बलों को, क्योंकि हाको रथ हम पान है एक पान आंदोलन ही नहीं बल्कि आपके बरसों से आपके अंदर सत्ता की पाने की ललक को जो मारे हुए थे, जो डरे हुए थे, ललक तो है सत्ता को पाने का लेकिन हम लोग डरे हुए हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने से डरते हैं। हाको रथ हम पान एक पान आंदोलन, एक पान आंदोलन नहीं है, बोलने का हम अपने हक की आवाज को नहीं उठा पाते हैं, दबा देते हैं, अपने मन के अंदर ही दबा देते हैं, उसको बाहर लाने के लिए ये एक क्रांति है। जी हां, हाको रथ हम पान केवल ये पान नहीं है, एक विचार है। और ये कोई सत्ता की पाने के लिए ये लड़ाई नहीं है बल्कि पान समाज के बच्चों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों में जो डर बना हुआ है, हम अपनी लड़ाई कैसे लड़ें, हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों को विरोध कैसे करें, वो मन में जो दबा हुआ बात है उसको उजागर करने के लिए, उसके सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए ये एक आंदोलन है। आज मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि मैंने जब वो वीडियो देखा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर झकझोर दिया और झकझोर जब दिया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया। और वीडियो में बताऊंगा कि वो वीडियो कौन सा था। उस वीडियो में मैंने देखा कि हाको रथ हम पान हैं एक पान आंदोलन का प्रेरणा स्रोत इंजीनियर आईपी गुप्ता जी कह रहे हैं अपने लोगों से, यदि आपके अंदर गुस्सा है, वेदना है, हमारे ऊपर गुस्सा है,
तो मैं आता हूं आपके घर और आप अपनी गुस्सा को, वेदना को उतार दीजिए मेरे शरीरों के ऊपर, बरसा लीजिए लाठियां, और जब आप थक जाइएगा तो मैं हाथ जोड़ करके चला जाऊंगा। जब मैं ये बात सुना तो मुझे लगा कि नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। हां कोरत, हम पान हैं, एक पान आंदोलन के प्रेरणा स्रोत इंजीनियर आईपी गुप्ता सर को बता देना चाहता हूं कि सर आपका ये दिन नहीं आ गया, आप मार खाएंगे और हम थुथुर के जैसा देखते रहेंगे, ये दिन आपका नहीं आ गया। मैं बताना चाहता हूं आपको, भले ही कुछ पान समाज के लोग आपके पोस्ट को, आपके विचारों को लाइक, शेयर, कमेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन बिहार के उन सभी पान समाज के बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं, पुरुषों और महिलाओं के ऊपर दिलों दिमाग से आप राज करते हैं और सभी के दिलों और दिमाग में आप बैठे हुए हैं। ये भूल जाइए कि आपका पीछे कोई नहीं है, आप उस अर्जुन की तरह अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं जहां कुरुक्षेत्र में अपने ही अपने हैं। और मैं उन पान समाज के युवा नेताओं से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि भूल जाइए वो गिले शिकवे, भूल जाइए वो डांट, भूल जाइए वो अपमान, और बन जाइए हां को रथम पान का सारथी कृष्ण की तरह, और बन जाइए सारथी अर्जुन का, और कहिए कि हे अर्जुन, आप अपनी दांडी को, आप अपनी मकसद को बदलिए नहीं, बल्कि मैं आपका सारथी बना हुआ हूं। बन जाइए कृष्ण की जैसा और कहिए कि मैं आपका वो सारथी हूं, वो सच्चा सारथी हूं, जिसे महाभारत के हो जाने के अंतिम क्षणों तक आपके साथ निभाऊंगा। हे पान समाज के युवा नेताओं से मेरा यह आग्रह है, आईपी गुप्ता को विधायक बनना है, सांसद बनना है, ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई पान समाज के सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक किए हुए हैं। जो व्यक्ति अपने के ऊपर, अपनों के ऊपर विजयी पालेंगे, जीत जाएंगे, वो व्यक्ति ही आगे चल करके नेता, राजनेता बनेगा, चाहे किसी भी समाज का हो। और यही हो भी रहा है, इसका लाखों हजारों उदाहरण भले पड़े हैं। और मैं बता दूं कि पान समाज के उन सभी नेताओं को कहता हूं कि आप उस अर्जुन की तरह लड़िए, हम सभी पान युवा आपके साथ कृष्ण की तरह सारथी बनकर रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी लोग अपनों से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग अपनों के ऊपर विजय पा लेंगे वही लोग राज करेंगे, हम लोग अपनों से ही हार रहे हैं। आज मैंने जब वो वीडियो देखा तो उस वीडियो में गुप्ता सर बता रहे हैं कि मुझे धमकी आती है कि मैं ये इस जिला में हां को रथम पान को आने नहीं देंगे, लेकिन मैं उन सभी नेताओं, युवा नेताओं का कहता हूं कि बन जाइए आप भी अर्जुन, पान समाज के युवा कृष्ण की तरह सारथी आपका बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन हां को रथम पान के प्रेरणा स्रोत इंजीनियर आईपी गुप्ता अभी अर्जुन की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसका साथ दीजिए और कृष्ण की तरह सारथी बन जाइए। क्योंकि मैं आज ये वीडियो इसलिए बनाने को मजबूर हुआ कि मेरे अंदर ये झकझोर दिया। अंत में मैं फिर से पान समाज के उन युवाओं से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि छोड़िए आपसी मतभेद, छोड़ दीजिए वो डांट, छोड़ दीजिए, भूल जाइए वो अपमान कि आपका कॉल नहीं उठाया, आपको फोन पर डांट दिया, भूल जाइए सारी बातें और बन जाइए, चल पड़ यहां को रथम पान की सारथी बन करके ले। और मैं आईपी गुप्ता सर को फिर से अवगत करा देना चाहता हूं कि सर ये आप भूल मत कीजिए, और आप, ये आपकी भूल है जो आप कह रहे हैं
कि मेरे शरीर के ऊपर लाठियां बरसाइए और मैं मार खा करके चल चुपचाप चल पड़ूंगा। आपके शरीर के ऊपर लाठी बरसने से पहले पान समाज के उन सभी पान समाज के युवा उस हनुमान की तरह आपको कंधे पर बैठा लेगा और अपनी शरीर पर मार खा लेगा, लेकिन आपको छूने तक नहीं देगा। ये कहता है कि जुल्म ना होती तो जलन ना होती, जुल्म ना होती तो जलन ना होती, ज्योत ना जगती तो क्रांति नहीं होती, ज्योत ना जगती तो क्रांति नहीं होती। बिना क्रांति के खुले खजाना, बिना क्रांति के खुले खजाना कहीं कभी भी शांति नहीं होती, कहीं कभी भी शांति नहीं होती। आप लोग से फिर मैं आग्रह करता हूं कि 10 नवंबर को होने वाले हाँ को रथ हम पान है एक पान आंदोलन का महारैली में बन जाइए सारथी और आइए, निकलिए अपने घरों से, जकड़ी हुई जंजीरों से बंधे हुए पैरों को, बीड़ियां को तोड़िए और चलिए। और मैं फिर से कहता हूं कि मैं उन सभी नेताओं को, उन सभी नेताओं के रैलियों का, आंदोलनों का समर्थन करता हूं जो अर्जुन की तरह अपनों से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं सभी नेताओं का भी समर्थन करता हूं और आप अर्जुन बनिए, हम पान युवा कृष्ण बनने के लिए अंतिम क्षणों तक आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। जय पान समाज, जय पान समाज।